तब वनवास से प्रभु राम लौटे थे अयोध्या और अयोध्या की दिवाली हो गई। इस बार अयोध्या में दिवाली आई है और प्रभु राम अपने मंदिर में आ रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए, राम मंदिर के निर्माण पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ, राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। देश भर में लोग इंतजार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने जनवरी के महीने में तारीख भी दे दी है, तो अब आप जिस तरह से लगे हुए हैं लगातार इस निर्माण पे, कहां तक काम पहुंचा है और जनवरी में क्या क्या पूरा हो जाएगा, और दर्शन के लिए जो लोग आतुर हैं वो कब तक इंतजार करें? काम तो देखिए बहुत अभी अधूरा है। जनवरी 22 तक जी हम लोगों ने फेज वन का आश्वासन दिया है कि वो पूरा हो जाएगा। उसमें सम्मिलित है, ये आप जहां खड़े हो ये भूतल है और ये ईस्टर्न एंट्रेंस है। ईस्टर्न एंट्रेंस, और ईस्टर्न एंट्रेंस में आप खड़े हो और यहां से जो भी श्रद्धालु आएगा वो पांच मंडपों को पार करता हुआ गर्भगृह में पहुंचेगा। लगभग आप समझिए यहां से उसको 390 फीट चलना होगा अगर उसको गर्भगृह के सामने पहुंचना है। यह पांचों हमारे जो मंडप हैं ये पूरे हो जाएंगे, गर्भगृह में भगवान स्थापित हो जाएंगे निश्चित रूप से। प्रथम तल पे हम लोग का कार्य चलता रहेगा, उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं कि बिना किसी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज के श्रद्धालु भी आते जाएं, दर्शन करते जाएं और हमारा कार्य भी प्रथम तल का हो, क्योंकि द्वितीय चरण में दिसंबर 2024 तक पूरे मंदिर को निर्माण पूरा हो जाना है। यानी प्रथम तल, सेकेंड स्टोरी, शिखर, पूरा सारा लोअर प्लिंथ, परकोटा, ये सब दिसंबर 2024 में पूर्ण हो जाएगा। एक आपको बात आपके माध्यम से आपका लाभ उठा के मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि लोगों को यह नहीं पता लगता कि परकोटा क्या है। सामने जो आपको दिख रहा है, एक बार दिखाइएगा, थोड़ा आप लोग हट जाइए, यहाँ से दिखाते हैं ये क्या है। ये परकोटा है। परकोटा, हाँ जी। सामान्य श्रद्धालु के लिए ये परिक्रमा मार्ग है। अच्छा, तो इसमें एक तरीके से वह वॉक करेगा और कुल उसकी वॉक जो परिक्रमा की होगी वो 795 मीटर होगी। 795 मीटर, 795 मीटर, हाँ। और इसका आप यूं आप इसे अनुमान लगाएं कि ये एक तरीके से मंदिर की सुरक्षा की व्यवस्था भी है। ठीक है, तो हमने आपको परकोटा के बारे में बताया। अब मंदिर में धीरे हम सीढ़ियों से अंदर चल रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत, आप तो बार बार आते हैं लेकिन जो पहली बार आ रहे हैं उनके लिए बड़ी अनुभूति है, क्योंकि राम मंदिर आस्था को भी लंबे वक्त तक देश में इंतजार करना पड़ा और उसके बाद ये मंदिर बन रहा है। एक बार ये पिलर्स देखें तो काफी काम, मुझे लगता है कि अब काम काफी हो चुका है सर। नीचे आपके कुल मिलाकर के 170 पिलर हैं भूतल में, 170 ऐसे पिलर नहीं, ये भूतल है, ग्राउंड फ्लोर है, और इसमें गिनती के 170 पिलर हैं। हर पिलर में करीब 25 से 30 रूप काम होते हैं। जो फिगर्स हैं मिला करके टॉप मिडिल एंड लोअर प्लिंथ मिला करके इसमें 25 से 30 होते हैं। तो ये क्या पहला, ये आप पांचवें मंडप में हैं। पांचवें मंडप, हाँ, वहां से गिनती करें तो आप पांचवें मंडप में हैं। इस मंडप में आप देखें तो इसका जो डोम है वो कंप्लीट हो गया, इसका डोम तो पूरी तरह से, और आप देखें उस सब पे एक डिजाइन है। डिजाइन का स्वरूप जो है वो नागर शैली के मंदिरों में क्या होता है वो पुस्तकों के अनुसार बनाया गया है। ये डोम इसलिए कंप्लीट हो गया कि आपको यह अनुमान लगाना है कि मंदिर जो है वो टेपरिंग है, इसलिए कि नीचे भूतल पे तो पांच हैं लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे तीन हैं,
और सेकंड फ्लोर पे दो हैं, तो तीन और दो तो पहले ही समाप्त हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे कोई फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए ये डोम पूरा कर दिया। So of course that's the big exclusive that we are bringing to you, and for the devotees after many centuries, remember it's been a long fight, and many of them will finally be able to now, and their generations basically will be able to offer prayers.